हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ का HCF के सीखते हैं। हम लोग देखिए, आपके पास ये भारती भवन का किताब है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 252 और 1540 का मौसक ज्ञात करें, यानी HCF ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करें कि HCF बनाते कैसे हैं। चलिए 252 को डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे दो के पहाड़ा से तो यह हो जाएगा, यानी 252 में जब दो से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 126। इसमें पुनः दो से भाग लग सकता है, 6 × 12 = 2, 3 = 6 यानी 63 हो गया। फिर इसमें अब 3 से भाग लगेगा, 3 × 6 = 3 पुनः इसमें 3 से भाग लग जाएगा, 3 × 7 = 21 फिर 7 × 7 ये हो गया। 1540 का निकाल लें तो 1540 में जब 2 से भाग देते हैं तो यह हो जाएगा 770। फिर इसमें जब 2 से भाग करते हैं तो यह हो जाएगा 385। फिर इसमें हम 5 से भाग देते हैं तो यह हो जाएगा 77। अब फिर यह भाग लगेगा आपका 7 × 11 = 77, 11 × 11 ये तो हो गया आपका। अब 252 बराबर कितना है? ये 2 का इतना है, 2 × 2 है, 2 × 2 3 × 2 है, 3 × 3 7 × 1 इसको देख लें, इसी को लिखे हुए। 1540 को अब लिख दें, 1540 इसमें 2 कितना बार आया है? 2 बार है, 2 × 2 5 × 1 है, 7 × 1 है, 11 × 1 है, 1 × 1 है। अब लिखते हैं 252 और 1540 का HCF यानी मौसम। देखिए दोनों में जो मिलेगा उसी को हम निकाल लेंगे। जैसे 2 मिल रहा है दोनों में तो 1 × 2 लिख दिए, फिर यहाँ पर भी 2 मिल रहा है इसको 2 को लिख दिए, अब इधर मिल रहा है 7 × 1 एक भी मिल रहा है 1। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 × 2 = 4, 7 × 28 = 28 यही आपका आंसर हो गया, HCF निकल गया। अब इसका दूसरा नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है 196 और 38 = 220। अब चलिए 196 में भाग देते हैं, 2 से भाग इसमें लग जाएगा। जब 2 से भाग लगेगा तो यह हो जाएगा 98। पुनः इसमें 2 से भाग लग जाएगा तो 98 के में जब 2 से भाग देते हैं तो यह हो जाएगा 49। अब 2 से भाग नहीं लगेगा, न 3 से लगेगा, अब लगेगा यह 7 से, 7 × 7 = 49 फिर 7 × 7। अब 38 × 220 को जो है भाग देते हैं, 38 × 220 इसमें 2 से भाग लग जाएगा तो हो जाएगा 19 × 110 पुनः इसमें भाग लग जाएगा 2 से, 19 × 110 में जब 2 से भाग देते हैं तो यह हो जाएगा 95 × 55 हो जाएगा। अब इसमें भाग लगेगा 5 से, 5 से भाग देते हैं तो यह हो जाएगा 19 × 11। अब इसमें जो है
तीन से भाग डाल देते हैं। तीन से भाग देने पर यह हो जाएगा 637। फिर इसमें हम भाग देंगे 7 से, 7 से भाग देने पर हो जाएगा यह 91। फिर 7 से जब भाग देंगे तो यह हो जाएगा 13, पुनः 13 इकाई 13। ये तो हो गया। अब इसका मोशन निकाल दें। देखिए 196 का गुणनखंड क्या हुआ है, 2 बार 2 हुआ है, यानी 2 गुना 2, 7 गुना 7, 7 गुना 7 गुना 1। अब 38 220 का कितना हुआ, 38 220, 2 ठो 2 है, 2 गुना 2, 5 1 ठो है, 3 1 ठो है, 7 गुना 7, 13 गुना 1, 13 गुना 1। अब इसमें जो मिल रहा है दोनों में उसको लिख लेते हैं। तो पहले लिख देंगे 196 और 38 220 का HCF। दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 1 ठो 2 लिख दिए। फिर यहाँ दोनों में 2 मिल रहा है, 2 लिख दिए। अब 7 मिल रहा है, 7 लिख दिए, और 1 ठो और 7 मिल रहा है, 7 लिख दिए, 1 मिल रहा है, दोनों में 1 हो गया। अब इसको गुणा कीजिए, 7 × 7 = 49, 2 × 2 = 4, 4 × 7 = 28, 28 × 7 = 196, यानी आपका HCF हो गया 196। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।